रेती बंदर एक नंबर बोगदा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रात से ही जारी तूफानी बारिश ने लोकल ट्रेन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो वहीं शहर की सड़कों पर पानी भी भर गया है। भारी बारिश और तेज हवा रात से ही चल रही है। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास की ये तस्वीर है जो आपको दिखाते हैं, जहां तेज बारिश का पानी पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नाला भर जाने की वजह से ये मुमरा बाईपास के ऊपर से ही पानी बह रहा है। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास पर सम्राट नगर हनुमान मंदिर के पास एक नाला है और ये नाला काफ़ी बड़ा है, लेकिन बारिश का पानी जो है भर जाने की वजह से नाला जाम हो गया और जाम होने की वजह से जो बारिश का पानी था वो मुमरा बाईपास के ऊपर से बहने लगा, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जाम होने की समस्या भी होने लगी। हालांकि इसकी जानकारी मिलते ही मनपा के अधिकारी और कर्मचारी भी वहां पहुंच गए हैं। काफ़ी हद तक नाले को साफ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी बारिश का पानी मुमरा बाईपास के ऊपर से ही बह रहा है। और आपको बता दें कि वहीं तेज़ बारिश होने की वजह से लोकल ट्रेन पर भी कहीं ना कहीं जो है पटरियों पर पानी भरने की वजह से इसका असर पड़ा है। और सेंट्रल रेलवे की टिटवाला अंबरनाथ से मुंबई की तरफ जाने वाली लोकल ट्रेनें करीब 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही हैं, यात्रियों को जिसके वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वेस्टर्न लाइन और हार्बर लाइन की जो ट्रेनें हैं वो भी बारिश होने की वजह से लगभग 15 से 20 मिनट देरी से चल रही हैं। आपको बता दें कि ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे, नासिक में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कि अगले कुछ घंटे जो है तूफानी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मुंबई, ठाणे, कल्याण और इसके आसपास के इलाके, साथ ही पूरे महाराष्ट्र के अन्य कई इलाके ऐसे हैं जहां तेज बारिश हो रही है। और वहीं मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील भी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले जब तक तेज बारिश हो रही है। रेती बंदर एक नंबर बोगदा। रस्सी पकड़ के जा सकते, मगर साइकिल ऐसा घूम के जाओ ना, वो परवड़ेगा ना।